नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से एक नई वीडियो पे हमारे चैनल पे स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो थ्रेसर की आरपीएम सेट करते हैं तो किस हिसाब से कौन से ट्रैक्टर पे किस हिसाब से हमको चलानी है, मशीन की कितनी आरपीएम चाहिए अपन को, और ट्रैक्टर के कितनी रेस पे चलेगा, कौन से ट्रैक्टर पे कितने इंच का पुली लगेगा, वो आपको आज मैं पूरा सब कुछ समझाऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास आने वाली बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें। मशीन का आरपीएम होता है वो गेहूँ में, सरसों में और चने में अलग अलग स्पीड पर चलता है। गेहूँ में तो 750 से 800 आरपीएम पे चलता है और सरसों के अंदर चलता है 600 से 700 आरपीएम पे और चने पे चलता है 800 से 850 आरपीएम पे। तो किसान भाइयों, आपके पास 35 DI मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर है जो 35 HP का आता है, उसके आरपीएम आते हैं 1000 RPM। तो आपको जो चेंज करना है, जो मेन शाफ्ट है नीचे का पुली है वो आपको छोटा लगाना है, और जो ऊपर का पुली आप सेट करोगे तो उसमें 1 इंची का गैप होना चाहिए। नीचे अगर 10 इंची का है तो ऊपर 11 इंच का होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको मशीन के जो आरपीएम मिलेंगे वो थोड़ा कम मिलेंगे और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। मशीन आपको ट्रैक्टर चलाना है 15 से 18 की रेस पे, जिससे ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा और मशीन अपनी गति पर चलेगा, जिससे माल एकदम साफ निकलेगा और मशीन चलेगा भी सही। इसी के अंदर ये 2 जुट्टी और 3 जुट्टी आती है। इसी के अंदर जैसे आगे ये बड़ी पुली आती है और पीछे छोटी पुली आती है, और नीचे भी ऐसे ही आता है। तो आपको नीचे छोटी पुली पे और ऊपर बड़ी पुली पे, तो इससे क्या होता है कि ये गेहूँ पे चलती है, और आप इस पर चलाओगे तो ये आपको चने के लिए होगी, और आपको सरसों में चलाना है तो सरसों पे आपको स्पीड ट्रैक्टर का स्पीड कम रखना पड़ेगा, और ये छोटी और बड़ी पुली पे चलाना पड़ेगा, जिससे मशीन के आरपीएम अपन को 600 से 700 आरपीएम पे चल जाए। और जैसे कि ज़्यादातर कमेंट्स आती है किसान भाइयों की कि मेरे पास अभी अभी कॉल आया था कि यार एक महिंद्रा 540 है तो उस पर कौन सा पुली लगाए। तो महिंद्रा 540 में क्या होता है कि जैसे अगर पहले वाले ट्रैक्टर में अगर जैसे सिंगल गियर आता था, आजकल ट्रैक्टरों में क्या है कि डबल गियर आते हैं, एक तो लो स्पीड का आता है, एक हाई स्पीड का आता है। तो महिंद्रा पे हमेशा ज़्यादातर लो स्पीड पर चलानी पड़ती है, 560 RPM पे, 560 आते हैं, 540 आते हैं, जो भी आते हैं, तो लो स्पीड पर चलाना पड़ता है। तो लो स्पीड के अंदर नीचे बड़ा पुली रखना पड़ता है, ऊपर छोटा पुली रखना पड़ता है, 2 इंच का गैप रखना पड़ता है, तब जाके मशीन की रोटेशन सही आती है। तो में ज़्यादातर जो PTO के RPM होते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक तो PTO ग्रुप आता है बारीक ग्रुप का, और एक PTO ग्रुप आता है मोटे ग्रुप का। तो मोटे ग्रुप वाले PTO ग्रुप के RPM आते हैं ऐसे मान लो 560 से 1000 तक, और जो बारीक ग्रुप के बारीक ग्रुप का जो PTO आता है उसके RPM 1000 से अबव आते हैं, 1000 से ज़्यादा आते हैं, जैसे 1250 मान लो, जैसे स्वराज के अंदर 1250 RPM आते हैं, और दूसरे आइसर वगैरह इन ट्रैक्टरों में ज़्यादा आते हैं। तो जो बारीक ग्रुप का PTO है उसके RPM ज़्यादा आते हैं। तो जो बारीक ग्रुप का है उसके अंदर सिंगल गियर ही आता है, महिंद्रा के अंदर जो बारीक ग्रुप का PTO आता है उसको डबल गियर नहीं आते हैं, सिंगल गियर आता है। अगर जिसके भी ट्रैक्टर में PTO ग्रुप बारीक है तो उसको है ना जो अपना नीचे का पुली छोटा रखना पड़ेगा और ऊपर का 2 इंच का गैप रखना पड़ेगा, ताकि उससे क्या है कि जैसे मशीन की गति ज़्यादा ना हो और उससे ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता है, 2 इंच का मिनिमम गैप रखना पड़ेगा। और जो मोटे ग्रुप आते हैं वो 560 या 1000 RPM पे आते हैं, तो उसके अंदर डबल गियर आते हैं, गियर और एक हाई गियर। तो उसके अंदर महिंद्रा पे क्या है कि लो पे चलाना पड़ता है हमेशा,
हाई हाई तो क्या है कि जैसे 1000 से अबाव हो जाते हैं, तो किसान भाइयों आपको ज़्यादातर महसी डी आई पे या कुछ भी 1 इंच का गैप ज़्यादातर रखना पड़ता है, और महिंद्रा में है ना जो 2 इंच का गैप रखना पड़ता है। अगर डबल गियर का है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप लो स्पीड पे चलाओ और नीचे का पुली बड़ा कर दो, ऊपर का पुली छोटा कर दो, ऊपर का पुली 2 इंच छोटा कर दो और नीचे का पुली 2 इंच बड़ा कर दो। तो किसान भाइयों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आने वाली बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।